हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर चैट बॉस यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस मोबाइल की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, इसके साथ क्या क्या आया है और क्या क्या आने वाला है, तो हम जब इसे ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके क्या फीचर्स हैं। जब इसे ऑन करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे ऑन करते हैं और इसकी क्या प्राइस होने वाली है और आपको ये कैसे मिलेगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। दोस्तों, ये मोबाइल जो है ओप्पो A9 2020 का है और ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है, मेड इन इंडिया का है। और इसके अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं आपको ऊपर ही बता देता हूँ, ये इसकी जो 4GB रैम है और इसकी जो इंटर मेमोरीज है वो 128 है, कहने का मतलब 128GB है। तो ये काफी मोबाइल है एक यूट्यूबर के लिए, तो ये काफी यूजफुल होने वाला है, काफी अच्छा मोबाइल है। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो ये मोबाइल है मंगाया है, इससे मैं अपनी वीडियो बनाया करूंगा। क्योंकि अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो तो यार आप एक DSLR कैमरा ले नहीं सकते हो, आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। साथ साथ आप इसे क्या क्या कर सकते हैं, इसकी जो कैमरे क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी होने वाली है और इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे आपको फीचर्स भी मिलने वाले हैं। तो चलिए हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने इसे अनबॉक्सिंग करते उसकी तरफ। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मोबाइल को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अभी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। तो चलिए इसे हम उठा लेते हैं और तो इसे हम खोलकर देखते हैं। तो अब हाँ, खुल गया और इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। देख सकते हैं ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर रख लिया है। अब इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं तो देख सकते हैं ये काली बॉक्स है, एक डिब्बा सा है, इस पे मोबाइल छपा हुआ है ओप्पो A9 2020, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रैम भी दिखा रहा है, कितनी रैम है, 4GB रैम का है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 128GB, ठीक है ये है। तो इसे हम साइड से रख लेते हैं और अब देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं ये ओप्पो लिखा है और इसमें भी कुछ हमें लगता है, तो ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो इसे हम साइड से रखते हैं और आप देख सकते हैं इसके साथ ये हमें एक चाबी मिली हुई है कि ये चाबी जब भी हम अपने सिम कार्ड को यहाँ पे चेंज करते हैं या डालते हैं तो इसे भी हम साइड से रखते हैं। उसके बाद ये मोबाइल के लिए कवर है, तो आप देख सकते हैं ऐसा ये कवर मिलने वाला है। तो हम चलिए इसे भी साइड से रखते हैं और देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो फाइनली हम देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल रखा हुआ है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका मोबाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार आपका ये मोबाइल बिल्कुल पैकेज आया होगा और ये पैकेज आता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसे भी ओपन करके देखेंगे, तो बट इसे भी हम साइड से अभी रख लेते हैं। साइड से हमने इसे रख लिया है और भी अभी इसमें बहुत कुछ है, अभी अभी और देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो इसे भी हम यहाँ से निकालते हैं और ये भी एक पेपर है, इसे भी हम साइड से रख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर इतना आइटम अभी इसमें बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसका एडाप्टर है, ये एडाप्टर है, इस एडाप्टर को हम साइड से रखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ये USB केबल है, आप देख सकते हैं ये USB केबल है। तो चलिए इसे भी हम साइड से रख लेते हैं और अब क्या है ये देखते हैं क्या भाई। हाँ, ये आपका ईयरफोन है, आपका ये ईयरफोन है, तो आप देख सकते हैं ऐसा आपका ईयरफोन होने वाला है, ऐसा आपको ईयरफोन मिलता है। तो चलिए इसे भी हम साइड से रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने देख लिए होंगे ये प्रोडक्ट आपके इसमें से निकले हुए हैं, आप सभी ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, इतने प्रोडक्ट इसके अंदर से हमें मिले हुए हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं इस मोबाइल को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो ये दिखने में लुकिंग कैसी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं। ये देखते हो ये वाली जो पॉलीथिन है, इसे हम उठाते हैं यहाँ से, ये उठाया और ये देखते हैं ये, तो इसको भी हम अब साइड से रखने वाले हैं। इसे साइड से रखते हैं और देख सकते हैं ऐसा लुक आपको मिलने वाला है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा लुक है, ये लुक आपको ऐसे दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब आप हाथ में पकड़ोगे ना काफ़ी अच्छा लगेगा और फ्रेंड से ऐसा। तो चलिए अब हम इसे ऑन करके देखते हैं, तो इसे हम फटाफट से ऑन कर लेते हैं।
तो देख रहे हैं आप ऑन होने लगा है। तो अभी हम इसे देखते हैं ऑन करके क्या क्या और मिलने वाला है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है। आप तो ये देखना है कि इसका कैमरा कैसा है और इसके अंदर के जो फीचर्स हैं क्वालिटी कैसी है वो देख सकते हैं। वैसे हाथ पकड़ने में कितना अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं मेरा बैक लुक तो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। हाँ, फोर कैमरे हैं, आप देख सकते हैं फोर कैमरे हो, 1, 2, 3 और इसके अंदर एक, फोर कैमरे हैं, फोर। और इसका जो कैमरा है बैक कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इसका देख सकते हैं ओपन हो गया है, अब यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सिंपली ये अभी ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं अभी इसमें ना ही तो कुछ है। और ये अब हम इसका कैमरा ओपन करके देखते हैं और इससे फोटो खींचते हैं। तो फोटो खींचने के लिए चलिए हम ऊपर चलते हैं या यहीं पे खींचते हैं, आप बताओ। तो चलिए ऊपर चलते हैं और फोटो खींच के भी देखते हैं तो इससे कैसा फोटो आ रहे हैं पहले, उसके बाद हम इसकी सेटिंग में जाकर देख लेते हैं क्या क्या है। सेटिंग में आते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, इसका हम वर्जन देखते हैं, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह भी देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट, यहाँ पे हम अबाउट में आते हैं तो आप देख सकते हैं अबाउट के अंदर आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे डिवाइस नेम मिल जाएगा और आपको मॉडल नंबर भी मिल जाएगा, वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसर भी देख सकते हैं, रैम देख सकते हैं, आप यहाँ पे रैम देख सकते हैं, रैम है आपकी 4GB, ठीक है दोस्तों। और इंटर मेमोरी आप देख सकते हैं 128 GB, तो काफ़ी अच्छा है। और एक यूट्यूबर के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि भाई आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, तो इससे आप काफ़ी क्वालिटी में काफ़ी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। हम बैक आ गए हैं, चलिए हम इसका कैमरा भी ओपन करके देखते हैं कैसा शो होता है। तो आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी में यार फोटो आ रहा है यार, क्या कितने प्यारे प्यार से आ रहे हैं। तो चलिए मैं यहीं पे फोटो खींच के दिखाऊं यार आपको, चलो यहाँ से एक दो प्रोडक्ट के फोटो लेता हूँ कैसे आ रहे हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक किया, वो क्या वन नाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फोटो आया भाई, काफ़ी अच्छा कैमरा है तो काफ़ी अच्छा। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और कुछ इधर उधर के अगल बगल साइड वगैरह के फोटो खींच के देखते हैं कि कैसे फोटो इसमें आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं ऊपर आ गया हूँ और कितने प्यारी कितनी क्वालिटी में वीडियो आ रही है, आप देख सकते हो मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ और काफ़ी यहाँ पे अंधेरा सा भी हो गया है, शाम का टाइम है और मैं ऊपर हूँ तो आप देख सकते हैं कितना यार प्यारा कैमरा है। इसका जो प्रोसेसर भी वो काफ़ी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा है। अरे एक न्यू यूट्यूबर के लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि यार कोई ज़्यादा इतना पैसा फंसा नहीं सकता, किसी के पास इतना अच्छा पैसा नहीं है कि DSLR कैमरा खरीद सकते, 50-60 हज़ार रुपये का कैमरा खरीदे उसके बाद काफ़ी यार खर्चा करना पड़ता है ये। और ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है यार, इसे आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका जो वॉल्यूम भी है काफ़ी अच्छा है, वो मैंने इसे चला के देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसके बैक कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो बाहर के नज़ारे हैं वो थोड़ी सी क्वालिटी कैसी आ रही है, वो भी मैं आपको सारी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो बैक कैमरे से मैं बना रहा हूँ इसका जूमर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो जूम करता हूँ मैं इसे, तो देखो आप कितना जूम कर सकते हो, काफ़ी जूम कर सकते हो यार, क्या बात है यार, कैमरे की तो बात ही अलग है। और काफ़ी ये देखो सामने वो बच्चे काफ़ी दूरी पर हैं, वो बच्चे देख रहे हैं जो कौन खड़ा है मेरे को पता भी है, काफ़ी दूरी पर, और देख सकते हो यार कितनी यार कितना जूम कर सकते हो, काफ़ी यार अच्छा मोबाइल है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया यार। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं।